ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो 2020 से लेकर के 2025 तक सबसे शुभ भाग्य रहेगा इन राशियों का। दोस्तों, इस साल कुछ राशियों का बहुत ही अच्छा भाग्य रहा है और अब ऐसी राशियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। भगवान की कृपा से 5 साल इन राशियों का बहुत ही अच्छा और शुभ भाग रहने वाला है। धरती गर्भ संभूतम विधियुक्त कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा मंगलम प्रवणाभ्यम, यानी मंगल देव का मीन राशि में प्रवेश आपको शत्रुओं से विजय दिलाएगा, धन का आगमन बनेगा, भूमि की प्राप्ति और वस्त्रादि का लाभ तथा राज कृपा के सभी कार्य आपके संपन्न होंगे, यानी सरकार से संबंधित कार्यों में आपको सहयोग मिलेगा, कठिन से कठिन कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। महादेव की कृपा से आने वाले समय में आपको हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान होगी। कुटुंबियों और ग्रस्त जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके नए नए कार्य संपन्न होंगे, धन का बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलने वाला है। मंगल देव का मीन राशि में प्रवेश बहुत कुछ बदलने वाला है। बुद्ध के द्वारा सदाचार, चेतना, तरक्की, ऐश्वर्य, प्रेम, उदारता, आकांक्षा, आत्मविश्वास, संतुलित, सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ, इन सारी चीजों में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा और संतान प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे। दोस्तों, ग्रहण का कुछ ऐसा योग बन रहा है जो इन राशियों को बहुत ही अच्छा और शुभ लाभ प्रदान कर रहा है। गुरु का धनुराशि में प्रवेश, शुक्र का मार्गी होना, शनि का बली होना, बुध का मिथुन राशि में गोचर, ये सभी आपको सफलता दिला रहे हैं। गया हुआ पैसा वापस मिलेगा। नौकरी के लिए आप भटक रहे थे, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी तो नौकरी प्राप्त होगी। आपको ऐसे ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी जो आपके कार्य अब तक रुके हुए थे। आपके विचारों में शुद्धता आएगी, आपके अचानक ऐसे खुशी के माहौल आएंगे जो सबसे शुभ रहेंगे। श्रावण मास शुरू हो रहा है और श्रावण मास में महाकाल की पूजा करने से हमारे जो अशुभता है वो भी शुभता में बदल जाती है। यानी अगर आपके ऊपर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि भी है और आप भगवान महाकाल की शरण में जाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान शिव जी पर अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जो आपका योग भार जाने से प्राप्त होता है, यानी जितना शुभ योग आपका बाहर जाने से बन रहा है, तीर्थ जाने से बनेगा, उतना ही शुभ योग अब आपका स्वतः ही शुरू हो चुका है। यानी बड़े बड़े तीर्थों पर जाने से जो आपके राशि फल में वृद्धि होती थी, भगवान की पूजा का पाठ करने से आपके कार्य सिद्ध होते थे, वह कार्य अब जल्दी संपन्न होंगे। माता रानी की कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। धन के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, व्यापार अच्छा रहेगा, एजुकेशन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, दिया हुआ धन वापस आएगा, कर्ज आपके ऊपर है तो वो दूर होगा, आपका खुद का मकान बनेगा। अभी तक आप किराए के मकानों में रह रहे थे, ये टेंशन थी कि आप कैसे अपना मकान बना पाएंगे, तो वह आपके अब योग शीघ्र बन चुके हैं। भगवान शिव जी की कृपा से आपके अनेक कार्यों में सफलता मिलेगी।
श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक करें और गौ माता की सेवा जरूर करें। दोस्तों गौ माता की सेवा 12 और 80 वालों को करनी चाहिए। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, सभी देवता इसमें निवास करते हैं। और अगर आपके कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन आ भी रही है तो गौ माता की सेवा करने से, उनको चारा डालने से, गुड़ चना और आटे का पेड़ा खिलाने से आपके आए हुए कार्यों में जो रुकावट पैदा हो रही थी वो दूर हो जाएंगी। अगर आपके शादी के बाद भी संतान के योग नहीं बन पा रहे हैं तो अब वह भी आपके योग बनेंगे। दूसरा, तुलसी माता की पूजा। शाम के समय आप तुलसी माता के सामने दीपदान जरूर करें, इसका बड़ा महत्व होता है। तुलसी माता का रोपण, तुलसी माता का स्पर्श, तुलसी का दीपदान, तुलसी के दर्शन, ऐसा करने से इंसान को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है। तीसरा, घर में मनी प्लांट। दोस्तों घर में मनी प्लांट का बड़ा महत्व होता है। जो ये राशियां मैं बता रहा हूं, ये राशि वाले अगर घर में मनी प्लांट लगाते हैं तो मनी प्लांट लगाने से आपके घर में पैसे की वर्षा होगी, पैसे की उन्नति होगी, बड़ा लाभ मिलेगा। अगर घर में तरक्की नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है तो आप मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं। मनी प्लांट का पौधा किसी के ला करके अगर आप लगाते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। शनि बलि हो रहे हैं और शनि के द्वारा आपको कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। शनि के द्वारा आपको सफलता मिलने वाली है। जैसे आपका लोहे का व्यापार है उसमें सफलता मिलेगी। अत्यधिक परिश्रम करने से जो फल नहीं मिल रहा था वो आपको मिलेगा। आपके पश्चिम दिशा से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और इसकी जो दो राशियां हैं वह राशियां बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। अब मैं आपको राशियों के बारे में बता देता हूं जो सबसे शुभ राशि है। सिंह राशि, सिंह राशि 2020 से लेकर के 2025 तक बहुत ही शुभ चलने वाली राशि है। कर्क राशि, जो अब तक ठीक नहीं थी लेकिन आने वाले समय में ग्रहण के हिसाब से बहुत ही अच्छा इसका भाग रहने वाला है। और ये राशि भी 2025 तक यानी 5 साल तक इसका योग बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों ये योग चलेगा लेकिन बीच बीच में ग्रहण की स्थिति बदलती रहेगी, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। वृषभ राशि, जिसमें शुक्र मार्ग ही चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा और शुभ योग आप कह सकते हैं वृषभ राशि वालों का। कुंभ राशि, बहुत ही अच्छा और लाभप्रद योग, जो आने वाले समय में शनि बलि हो रहे हैं तो आपको कई प्रकार के लाभ दिलाएंगे। मकर राशि, मकर राशि का बहुत ही अच्छा और शुभ योग रहने वाला है। शनि की कृपा से मकर राशि के बिगड़े हुए कार्य संपन्न होंगे, व्यापारिक क्षेत्र अच्छा चलेगा। तुला राशि, बहुत ही अच्छा योग, ये इसका 5 साल योग बहुत ही शुभप्रद रहेंगे, लाभप्रद रहेंगे और तरक्की मिलेगी। ये वो राशियां हैं जिनका वास्तव में अब भाग्य अच्छा चलेगा। कन्या राशि, बहुत ही अच्छा और शुभ योग रहेगा। और मेष राशि वालों का बहुत ही अच्छा शुभ योग रहने वाला है। मेष राशि वाले हनुमान जी की पूजा करते रहें, पक्षियों को सतनजा आदि डालते रहें, इससे आपकी शुभता में और वृद्धि होगी और आए हुए जो कार्यों में अड़चने वो दूर होंगे। दोस्तों धनुराशि, जिसमें गुरु का संचार, गुरु का प्रवेश अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और शुभ योग बना रहा है धनुराशि वालों के लिए, जो आने वाले समय में शुभता को दिखाएगा और धनुराशि वालों को बड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे और ऐसे कार्य संपन्न होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। यानी अब आप खुश हो जाइए, आपके हर प्रकार से कार्य संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि, अब इनका भाग्य बहुत अच्छा शुरू हो चुका है और आने वाले समय में वृश्चिक राशियों का बड़ा शुभ भाग्य रहेगा। जैसे जैसे महीने बीतेंगे वृश्चिक राशि वालों को लाभ होता चला जाएगा। तो दोस्तों
ये थी राशियां जो 2025 तक शुभ रहने वाली हैं। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।